आज का हमारा टॉपिक है मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। मसल्स टिश्यू बोल सकते हैं या मस्कुलर टिश्यू बोल सकते हैं। टिश्यू का तीसरा पार्ट है, ठीक, क्योंकि इपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ये मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो ये मस्कुलर टिश्यू देख रहे हैं, ठीक है। देखिए मस्कुलर टिश्यू मतलब क्या होता है, थोड़ा सा नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, उसके बाद से उसके जो टाइप्स है वो है, और आप इसका जो जैसे स्केलेटल सिस्टम का फिगर चाहते हैं, स्मूथ मसल्स का या कार्डियक मसल्स का, तो फैक्ट एंड फिगर के उसमें रहेगा, सर्च करिएगा तो आ जाएगा आपको। स्केलेटल मसल्स का फिगर भी आएगा, स्मूथ मसल्स का भी, या कार्डियक मसल्स का भी, या फिर इन तीनों का जो फिगर है मैं उसको आपको डिस्क्रिप्शन है उसी में इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, या फिर आप गूगल से भी देख सकते हैं, या फिर अपने जो बुक है उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है, अपना ही से भी देख सकते हैं। देखिए जो मसल्स टिश्यू होता है उसको क्या क्या होता है, देखिए मसल्स इज ए टिश्यू, जो मस्कुलर मसल्स होता है। देखिए हमारे बॉडी में जो मसल्स होता है वो क्या प्रकार होता है, एक प्रकार का टिश्यू होता है। टिश्यू मिलकर ही ना हमारे बॉडी में एक मतलब टिश्यू मिलकर के ऑर्गेन का निर्माण करते हैं। जो मसल्स क्या है, मसल्स एक प्रकार का हमारे बॉडी में ऑर्गेन है, ठीक है। तो ये मसल्स जो एक प्रकार का टिश्यू होता है, जो क्या जो कैसा होता है, लॉन्ग होता है एंड थ्रेड लाइक होता है। थ्रेड मतलब धागा लाइक, मतलब लॉन्ग होता है और थ्रेड लाइक होता है, ठीक है। और मसल्स है पावर ऑफ कंट्रेक्शन, जो मसल्स होता है उसके पास जो क्या होता है, पावर ऑफ कंट्रेक्शन का पावर होता है। जो मस्कुलर टिश्यू होता है उसके पास क्या होता है, कंट्रेक्शन का पावर होता है, ठीक है। और उसके पास देखिए कंट्रेक्शन ऑफ मसल्स प्रोड्यूस मूवमेंट, जो हमारे मसल्स में जो कंट्रैक्शन होता है उसके कारण क्या होता है, मूवमेंट होता है, जिसके कारण हम लोग चलते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक। मसल सेल्स आर कॉल्ड मसल्स फाइबर, जो मसल सेल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मसल्स फाइबर बोलते हैं। जो नर्व सेल होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नर्व फाइबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स बोल सकते हैं, न्यूरॉन भी बोलते हैं, मतलब उसको हम लोग कहाँ बोल पड़ेंगे, नर्वस टिश्यू में, ठीक है। तो इतना तो हो गया। उसके बाद देखिए जो मसल्स टिश्यू है उसको कितने तीन भाग में क्लासिफाई किया, स्केलेटल मसल्स हो गया, स्मूथ मसल्स हो गया, कार्डियक मसल। तो स्केलेटल मसल हो गया उसको क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स, और जो स्मूथ मसल्स हो गया उसको क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स। ये तीन प्रकार के होते हैं मस्कुलर टिश्यू। जैसे में हमारा इपिथेलियल टिश्यू होता है तीन प्रकार का, और कनेक्टिव टिश्यू होता है कई प्रकार का, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू ऐसे होते हैं ना, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो वैसे ही जो हमारा वो क्या बोल इपिथिलियल जो टिश्यू होता है वो भी कई प्रकार का होता है, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबाइडल, कोलुमनार, स्ट्रेटिफाइड, ऐसे होते हैं ना। तो वैसे ही मतलब मसल्स भी होते हैं, मस्कुलर टिश्यू भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। और जो देखिए उसके पास ठीक है, जो सबसे पहला है स्केलेटल मसल्स, इसको हम लोग देख रहे हैं। देखिए जो स्केलेटल मसल्स होते हैं तीन प्रकार का होता है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल। इन तीन जगह ही मसल्स होते हैं। देखिए स्मूथ मसल्स हमारे बॉडी में सब जगह होगा, कार्डियक स्केलेटल मसल मतलब जो बोन के पास होगा, ठीक है, स्केलेटल हड्डी वाले के पास। कार्डियक मसल केवल कार्डियक केवल हार्ट में होगा, ठीक है। तीन प्रकार के हमारे में शरीर के अंदर जो मसल्स होते हैं। देखिए जो स्केलेटल मसल्स होता है वो क्या कैसा होता है, लॉन्ग होता है एंड सिलिंडर मसल, मसल्स फाइबर मतलब क्या हो गया, मसल सेल्स बोल सकते हैं। तो स्केलेटल मसल्स हो गया क्या होता है, लॉन्ग होता है और सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है। और जो मसल्स जो है कंटेन होता है ब्रांच अन ब्रांच फाइबर नोन एज मायो फाइब्रिल्स, जो मायो फाइब्रिल्स होता है मतलब जो अन मसल्स में कंटेन करता है अनब्रांच्ड फाइबर, जो फाइबर मतलब होता है फाइबर बोलिए, मसल सेल्स बोलिए, अनब्रांच्ड होता है जो क्या बोलते हैं, मायो फाइब्रिल्स बोलते हैं, ठीक है। जो स्केलेटल मसल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर, जो स्केलेटल मसल्स हो गए अपने कंट्रोल में होता है, जब चाहें तब हम उसको मूवमेंट करवा सकते हैं, हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है, स्केलेटल मसल। वही जो कार्डियक मसल्स हो गया, स्मूथ मसल हो गया, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। लेकिन ये बताओ हार्ट, जो हार्ट का जो हार्ट किससे मिलकर बनता है, मसल से मिलकर बना होता है, और भी जो भी सारी चीज़ें होता है सारे टिश्यू से मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है जो हार्ट होता है, लेकिन उसका जो मसल्स होता है वो हमारे कंट्रोल में है नहीं है, क्योंकि वो अपने आप हार्ट बीट धड़कते रहता है, अप डाउन लप डप लप डप करते रहता है, तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन स्केलेटल मसल हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे, तो स्केलेटल मसल ईच मसल्स फाइबर्स आर सराउंडेड बाय द थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा, जो देखिए जो मसल्स फाइबर होते हैं वो क्या एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे होते हैं, जिस सराउंडेड मतलब होता है घिरा होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सार्कोलेमा बोलते हैं, ठीक है। और जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हमारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स हो गया, उसके बाद से लिम्स हो गया, लिम्स अंडर ट्रंक हो गया, ठीक है। उसके बाद से देखिए स्केलेटल मसल्स हो गया, उसके बाद से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग फिर से पढ़ेंगे स्मूथ मसल, ठीक है। देखिए स्मूथ मसल्स आर नॉट कंट्रोल आवर बाई आवर, मतलब जो स्मूथ मसल्स होता है हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। देखिए क्यों नहीं कंट्रोल, क्योंकि यहाँ क्या होता है आयरिस ऑफ आई के जो आयरिस होता है वहाँ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होता है उसमें होता है। क्या आप ब्लड वेसल्स को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, नहीं। गाल ब्लडर को बनाइए, यूट्रस को, एयर वे ऑफ लंग्स, जो लंग्स एयर वे उसको भी कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। इंटेस्टाइन जो इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन या
स्मॉल इंटेस्टाइन उसके अंदर जो होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं नहीं, जो स्टोमक होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं नहीं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल आर नॉट कंट्रोल्ड बाई आवर, ठीक है। और देखिए स्मूथ मसल्स आर लॉन्ग एंड स्पाइनल शेप मसल्स फाइबर, तो ये कैसा होता है, स्मूथ मसल्स लॉन्ग होता है और उसके पास से स्पिंडल शेप होता है, और ये स्केलेटल मसल्स जो होता है वो कैसा होता है, सिलेंडर एंड मसल फाइबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दीज मसल्स फाइबर्स आर नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन, देखिए ये जो मेम्ब्रेन है स्केलेटल मसल्स ये किसके द्वारा सराउंडेड होता है, सार्कोलेमा, और ये स्मूथ मसल जो होता है किसी भी मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड नहीं होता है, ठीक है। दीज मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ये जो मसल्स होता है हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो किसके कंट्रोल में, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, स्मूथ मसल जो है किसके कंट्रोल में, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में, ठीक है। उसके बाद देखिए इट इज फाउंड इन द इंटरनल ऑर्गन लाइक ब्लड वेसल्स, आयरिस ऑफ आई, एयरवे ऑफ लंग्स, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, स्टोमक हो गया, गाल ब्लड हो गई, यूट्रस हो गया, ठीक है। यहाँ यहाँ पे होता है, मतलब उसका जो हॉलो होता है, वाल होता है ना, उसी के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो कार्डियक मसल जो होता है, कार्डियक मसल्स आर नॉट कंट्रोल्ड बाय आवर, कार्डियक मसल भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, क्योंकि अपने आप धड़कता रहता है, अगर हम कंट्रोल करेंगे तो फिर मर जाएंगे, तो इसलिए हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। मान लीजिए हम कंट्रोल करेंगे अपने हार्ट को, तो क्या होगा, जो ब्लड का सर्कुलेशन हो वो नहीं हो पाएगा, जब ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन हमारे सेल को नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। वैसे हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हार्ट का जो मसल्स है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये कार्डियक मसल्स आर फाउंड ओनली इन द हार्ट, देखिए ये जो कार्डियक मसल्स है ये केवल और केवल हार्ट में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। केवल और केवल कहाँ पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है। देखिए दिस मसल्स फाइबर आर शॉर्ट सिलिंड्रिकल एंड ब्रांच, मतलब ये जो मसल्स फाइबर होते हैं, ये जो मसल्स सेल होते हैं कार्डियक मसल सेल्स, वो कैसा होता है, शॉर्ट होता है, सिलिंड्रिकल ही होता है और ब्रांच्ड होता है, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद से हम लोग नर्वस टिश्यू के बारे में देखेंगे, और क्या सबका वीडियो जो एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया, या नर्वस टिश्यू हो गया, सबका जो वीडियो का लिंक है सारे वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर एक एक करके देख लीजिएगा, ठीक है। और खैर प्लेलिस्ट का भी रहेगा, प्लेलिस्ट में भी जाकर जिसका जो देखना चाहते हैं जिस वीडियो को उसको देख सकते हैं, ठीक है।